तो अभी ये सब इतने रिवर्स किए हैं हैंडल ताकि ईजान को वो दिख सके। ठीक है, हम उधर लेके अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को जुमा मुबारक हो, आपकी दुआओं में हमें याद रखना। तो अभी हम तीनों जा रहे हैं बाहर, ईजान को हम फरा के अम्मी और अब्बा के पास में छोड़ेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे काम है, जो कि दो तीन दिन से बारिश था इस वजह से कहीं बाहर जाने मिला नहीं। तो आज हमें लग रहा है कि बारिश नहीं है तो जाके हम हमारे जो भी काम पेंडिंग है वो कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी भी ना बहुत दिन से हील बहुत पेन कर रही है, तो मुझे वो डॉक्टर के पास जाना था लेकिन वो आज करके डिले हो रहा था। तो फरा ने बोला आज जाते ही है, और फरा का भी जो दांत है वो बहुत पेन कर रहा है, उनका जो रूट कैनल करना है। फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं देखेंगे। और हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें बाहर कहाँ जाना है घूमने के लिए, बहुत जल्द हम आपको भी बताएंगे। तो उसकी भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, खास करके ईजान के लिए बहुत सारी चीज़ें आज लेना है। तो देखते हैं, आज अगर होता है तो ईजान के लिए भी ले लेंगे और जो हमारे जो काम है वो भी हो जाएंगे। तो अभी 3:30 बजे है, नमाज भी हो गई है, खाना भी हो गया, ईजान अभी जस्ट सोया है। तो जल्दी से हम रेडी कर रहे हैं, निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ईजान अगर उठ गया ना तो वापस से उसको संभालना फिर लेके जाना मुश्किल रहता है। तो अभी जस्ट मैं ईजान की बॉटल दोनों भी बॉयल करके ले लिया हूँ, और ये पानी लिया हूँ मैंने गर्म करके ये थर्मास में लेने के लिए, क्योंकि बाहर कभी अगर ईजान को भूख लगती है तो हम उसको दे सकते हैं। तो ये पटापट मैं मेरा काम कर ले रहा हूँ, फरा बाकी का जो ईजान के बैग है वो रेडी कर रहे हैं। और फरा बोल रहे थे कि उनको फ्लाइट से जाना है, जहाँ भी जाने का हमने सोचा है, तो मैंने अभी तक उनको बोला नहीं है कि फ्लाइट से जाना है या ट्रेन से जाना है। तो ठीक है, फरा बोल रहे हैं तो उनको हम फ्लाइट से ही लेके जाएंगे, लेकिन उनको मैं अभी बताऊंगा। जल्दी से करते हैं फटाफट, फरा मुझे वहाँ से आवाज़ लगा रहा है कि समीर जल्दी से कर लो। ये मुझे ना इसमें पकड़ने डर ही लगता है क्योंकि ये जो है ना ये उतना वेट वाला नहीं है, और उससे ज़्यादा वेट मुझे ये लग रहा है कभी हाथ में से मेरे छूटे ना। इसको हम ऐसे, और मेरे हाथ काँप भी रहे। चलिए, एक काम तो मेरा हो गया है, बॉटल तो ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रख लिया है। अभी देखते हैं जाके, थोड़ी फरा की हेल्प करते हैं ईजान उठने से पहले। मुझे लगा कि फरा ईजान की बैग यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, लेकिन ये मैडम तो खुद ही अभी तक रेडी नहीं हुए, खुद ही अभी रेडी हो रहे हैं। रेडी है, कब किया आपने? सुबह में। अच्छा, चलो निकलते हैं जल्दी से फरा, 4:15 होने आए, फिर अपने को भी बाहर जाना है, ईजान को भी उधर छोड़ना है, टाइम हो जाएगा। ये हो गई है ईजान की बैग अभी रेडी, इसमें जो जो उसको लगता है ये तो मैंने सभी ले लिया है। ये बचे हैं अभी डायपर, ये डायपर उसके कपड़ों के बैग में हम रख देंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे हो गए और ज़्यादा वजन हम इसको करते नहीं है क्योंकि फरा को ही लेके बैठना पड़ता है इसीलिए। और ये शूज़ वगैरह सब ईजान के कपड़ों में, टोपी उसके कपड़ों के बैग में ही डाल देंगे। तो सब हो गया रेडी अभी, और ईजान देखिए सोया है, फरा ने उसको टोपी भी पहनाया है, और वहाँ पे दोनों बैग भी रेडी हो गए, उसमें सब ईजान का जो लगता है वो है, और वो ईजान की कपड़े की बैग है, हमने वही बैग किया है, उसमें अच्छे से कपड़े उसके बैठ जाते हैं पूरे। फरा टी वी चालू है, नहीं दरवाजे के पीछे है, वो लेना है क्या? फिर भी याद कर रहा हूँ, अगर कुछ रहने गए इधर तो हाँ जाएंगे। दवाई तो ले लिया ना? हाँ, दवाई तो ले लिया, पाउडर का डब्बा भी ले लिया, डायपर भी ले लिया, डायपर की क्रीम भी ले लिया, और लैक्टोजन सॉरी नाइन प्रो, दोनों बॉटल्स, हाँ दोनों बॉटल्स भी ले लिया, और उसका पानी का थर्मस भी ले लिया। वो तो मैंने दोनों दाल चावल की, हाँ वो भी ले लो ना आपको, वो हाँ वो भी खिलाने का ना, दोनों ले लो, वो बैग में आराम से बैठेगा। हाँ कहाँ पे है वो? अच्छा, फरा ने अभी याद दिलाया मुझे कहाँ पे। अच्छा, ये दोनों लैक्टोजन के वही है क्या? एक अभी नाचनी है। अच्छा, येलो कलर का जो चम्मच है वो नाचनी है ना? नहीं, ये लैक्टोजन, ये सॉरी सेरेलैक्स, ये नाचनी भी लेंगे, दोनों ले लो फरा। ये दाल चावल का है। अच्छा, इसको ये डब्बा किया आपने? ये वो ऐसे ही करने का था ना? ये अम्मी ने बना के दिए।
अच्छा तो अभी कौन सा लेने वाले हो वो बोलो। ये दो लेती ठीक है, चलो उसको बैग में रख दूंगा मैं। और धूप देखे कैसी कड़क वाली धूप है, ये क्लाइमेट देख के तो ऐसा लग रहा है शाम में वापस आज बारिश आने वाला है, लेकिन ये क्लाइमेट ठीक है, बारिश से तो ये क्लाइमेट हमें ठीक लगता है, इसीलिए हम अभी दोपहर में ही निकल रहे हैं। अगर शाम का हम वेट करेंगे तो फिर हम बारिश में फंस जाएंगे ना, हमें सोचा जल्दी जितना होगा उतना जल्दी हम निकलेंगे तो हमारे भी काम हो जाएंगे। आज फरा मेरे हील का दिखा देंगे आप, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे को भी। जाएंगे मस्त लग रहा है, बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। ये मेरी पसंद का गॉगल मैंने फरा के लिए लेकर आया था और बहुत ही अच्छा है, इस पे तो और ज्यादा सूट कर रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने ये ग्रे लिया है, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा। हाँ ना, फाइनली आ गए ईजान के नाना और नानी के घर पे ईजान देखे आते आते बहुत सारे गणपति देखा उन्हें, और आज गणपति विसर्जन भी है, हमें पता ही नहीं था, और बहुत मजा किया उसने, थोड़ा भी रोया नहीं। फरा कैसा मैं लेके आऊँ, ये देखे ये हाथ में मेरी एक बैग है और ये हैंड बैग भी मेरे को दे रहे हैं, ईजान के दो बैग और चले। हाँ कितने खुशी से जा रहे हैं, ये क्या दिनों यहाँ पे वीडियो नहीं लिया ना, वरना हम कभी बाहर जाते थे ना तो लिफ्ट में जरूर वीडियो लेते थे, वही याद आया। और अभी ईजान को छोड़ दिया, ईजान सो भी गया है तो जाके हमारे जो भी काम है जल्दी से कर लेते हैं, देखते हैं, होप के जहाँ जहाँ हम जाने वाले हैं वो बंद ना हो क्योंकि विसर्जन है ना, इसीलिए फिर भी देखते हैं जितने होंगे उतने करेंगे या तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ। तो बहुत लकीली हमें फर्स्ट क्राई एक ही ओपन मिला, वरना बाकी सभी तो क्लोज है शॉप आज गणपति की वजह से। तो अभी ये MG रोड पे हम आए हैं, ये वाला बताओ वो कौन सा? अरे हाँ ना, आप अटैच भी कर सकते हो इसको ऐसे, ये पूरा ऐसे उठेगा बेबी का, हाँ बेबी के बेड के साथ ये अटैच होगा, सॉरी मॉम के बेड के साथ। अच्छा 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 लग रहा है ना, कितने का है? ये फ्रंट में भी होता है, स्लीपिंग भी होता है, और बच्चे को कैसे डालने का इसमें, एक मिनट में बता। तो फर्स्ट क्राई में आने का हमारा यही था कि हम ईजान के लिए ये जो है स्ट्रोलर ये लेना है, क्योंकि हम अभी जहाँ बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए वहाँ पे हम ईजान को हर बार अभी एक गोद में लेके नहीं घूम सकते ना, इसीलिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, तो उसमें वो इजीली बैठेंगे आराम से, तो हम उसको कहीं पर भी लेके वहाँ पे घूम सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। इसमें इधर उसको डाल के रिवर्सिबल हैंडल है, फोल्डेबल है। अच्छा रिवर्सिबल में क्या चाहते, मतलब मुझे दिखना चाहिए वो मदर के लिए एक्चुअली अच्छा रहता है, मतलब सामने से उधर से अपने को पता नहीं है सही रो रहा क्या कर। ये आप एक विंडो का ऑप्शन है, पीछे से भी अगर आप कर रहे हो ना तो यहाँ से देख सकते हो। अच्छा बैक साइड में एक पॉकेट दिया हुआ है नीचे भी स्टोरेज, इसके अंदर मल्टीपल नहीं, इसके अंदर तीन पोजीशन आते हैं मैम, स्लीपिंग रिक्लाइनिंग एंड सिटिंग पोजीशन। ये कौन सा है? ये सिटिंग पोजीशन है, ये रिक्लाइनिंग, ये स्लीपिंग। चाहे जैसे बोल पीछे ही है क्या उसको? हाँ। सभी सबके पीछे साइड में आता है। ये कितने वाला है? चेक करता हूँ। ये 599 कुछ होगा मैम। हाँ ये जो ऑनलाइन डिस्काउंट रहेगा सेम डिस्काउंट आपको मिलेगा। मैंने देखा, देखो फिर या फिर वो ब्रांड अलग रहेगा ऐसा कुछ। 599 प्राइमर ये वाला कौन सा? ये वाला उसको ओपन करके तो नहीं देख सकते, ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। हाँ हाँ इसका क्या है मतलब? और ये फ्रूट फीडर भी है, आप इसमें नहीं क्या कोई भी फ्रूट ऐसे डाल के उनको ये कर मतलब खिला सकते हो, सिर्फ उसका रस निकलता है ना, रस निकल के इसमें बेबी आराम से चुई कर सकता है अच्छे से, तो ये भी है एक इसमें, और सिलिकॉन ही है, अच्छा है उसका। ये इसका क्या है? इसका प्राइस 319 है, इसमें मैं देखती हूँ कितना अगर होगा इसको तो बार बार हमको स्टरलाइज करना पड़ता है जब जब बेबी के मुंह से गिरेगा।
बॉटल्स भी लेना है ईजान को और आपको बॉटल देखना है ना? हाँ दूध का बॉटल स्टैंड भी मिलेगा क्या हैंगर का बच्चों के कपड़े के है क्या? हाँ आपने देखा नहीं वो तो मतलब तो कबर्ड नहीं है प्रॉपर वो कपड़े वाला क्या? हाँ वो कपड़े वाला है एंड वो जो फोल्डेबल वाला होता है ना इतना ही ये होता है उसपे बॉक्स रहते छोटे उसमें बड़ा वाला नहीं है उसके अंदर नहीं सर अभी उनके लिए इतना ही साइज आता है ना वो उसमें बड़े वाले नहीं आते इसमें ये छोटे पड़ जाएंगे पता ज्यादा से ज्यादा ये देखो ये वाला भी है अभी नहीं है वाला अभी यूज नहीं होगा ये मम्मी के भाई वो वाला भी अभी यूज नहीं होगा हैंगर देखो नहीं 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 हैंगर मैं सोच रही थी उसको लेकिन कबड्डी लाल हां अभी नहीं और डायपर बॉटल ब्रश लेना है बॉटल ब्रश है ब्रश है हां मुझे कॉम्ब चाहिए था ब्रश ब्रश वो नीचे यहां पे ए टू जेड है सभी बेबीज के लिए तो अभी यहीं से हमें डायपर भी लेना है और ईजान जब बड़ा होगा तो उसको साइकिल देगा ऐसी ये वाली साइकिल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है छोटी इंशाल्लाह जब बड़ा होगा ना तो उसको मैं अच्छे से साइकिल दिलाऊंगा और गाड़ी भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे और हमें वहाँ पे एक बेड जो स्टार्टिंग हम आए थे ना वहाँ पे मुझे बेड बहुत अच्छी लगी अभी उसका प्राइस इन्हें पता नहीं है वो नीचे पूछ के बताएंगे अगर होता है तो इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे ये देखें कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे गाड़ी है ये वाली बेड की मैं बात कर रहा था आपको ये देखिए कितना अच्छा है बेड ये और इसका साइज़ भी एकदम परफेक्ट है हमारे बेडरूम में तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा और ईजान भी बहुत अच्छे से इस पर सोएगा और ये देखिए ये गाड़ी की बात कर रहा था मैं कार मुझे बहुत शौक़ है ऐसे सब चीज़ें ईजान के लिए लेने के लिए बट वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो आईसी में की कार हम ईजान को लेंगे बाइक लेंगे बहुत दिल है मेरे को ईजान के लिए बहुत कुछ लेना अभी ईजान जल्दी से बड़ा हो जाएगा ना तो उसके लिए लेंगे यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ईजान के लिए क्या लूँ क्या नहीं यहाँ पे सभी चीज़ बहुत बहुत अच्छी है ये देखे यहाँ पर ईजान को घोड़ा बहुत पसंद है क्योंकि हम जब भी लगाते हैं ना लकड़ी की काठी वो बहुत शौक से देखता है और हंसता भी है ये देखिए कितना अच्छा है वाओ यार टेडी कितना अच्छा है ये वो कितना बड़ा भी है कितना सॉफ्ट लग रहा है और मेरे पास है और बहुत छोटा सा है वो बहुत छोटा है ये तो बहुत ही अच्छा है और कितना बड़ा भी लग रहा है ये भी कितना अच्छा है ना झूला मेरे को ईजान पर इसी गाड़ी भी लेनी वही बोला मैंने मेरे को ऐसा लग रहा है कब लूँ मैं उसको तो जैसे ये बड़ा हो जाएगा ना वगैरह ये देखो ईजान कैसे बैठा है गाड़ी पे ईजान उसका हाथ निकालो ना कितना अच्छा लग रहा है ना आराम से बैठा है तो अभी ये समीर ने रिवर्स किए हैं हैंडल ताकि ईजान को वो दिख सके क्या उधर ले गए और ईजान को हमने बेल्ट वेल्ट कुछ नहीं लगाए ऐसे उसको सुलाए उसमें वो अच्छे से और लग रहा है तो हम लोग प्रैक्टिस ले रहे हैं यहाँ पे जो इसके सामने के जो व्हील्स है ना समीर वो है ना मूवेबल है ये वाले पीछे वाले ना स्ट्रेटी है ये वाली बेबी हक की है ये क्या बोलते हैं इसको बेबी स्ट्रोलर बेबी स्ट्रोलर बताओ ये वाला पैटर्न इधर सामने से सामने कलर अलग है और पीछे अलग है क्या अच्छा लग रहा है मस्त लग रहा है अरे बस कितने चलो एक बार ट्राई करो आप पता चलेंगे ये डायपर हमने कल लिए थे फर्स्ट क्राय में से लेकिन हमें ये एक्सचेंज करके दूसरे वाला लेना है ये भी सारा साथ में लेकर आए हैं
कल मैं ईजान और फरा को छोड़ के गया था क्योंकि कल मेरी नाइट शिफ्ट थी इसीलिए। तो अभी फरा रिक्शे से फैशन स्ट्रीट तक आए हैं और मैं घर से यहाँ पे आया तो दोनों हम यहाँ पे मिले। तो उन्होंने मेरे को पहले ही बोला था कि ये वाला डायपर हमें चेंज करके दूसरा लेना है और यहाँ से मैडम को लेना है अभी बुरका, जहाँ से हम हमेशा लेते हैं वहीं पर आए हैं। फिर यहाँ से कंटिन्यू करते करते बाकी के जो काम हमारे कल पेंडिंग हो गए थे वो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये वाला भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, देखते हैं अभी और भी देख रहे हैं दूसरे। अभी आप जो लाइन में देख रहे हैं ना फरा, इधर भी अच्छे पैटर्न लग रहे हैं। ये वाला भी देखो, ये वाला कौन सा है बता थोड़ा। अच्छा लग रहा है, कलर है क्या इसमें और? हाँ ये वाला देखो फरा, कलर भी अच्छा। बीच में चाइन ये है क्या इसको? नहीं ना, अच्छा ये ट्राई करके अच्छा लग रहा है। अच्छा आपको नहीं पसंद तो ठीक है, अभी पहनने वाले आप, अगर आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। बैक डिजाइन के चाहिए, ये बैक डिजाइन की कलर चाहिए, ये वाला अच्छा लगा। क्या टाइट हो रहा है ये? अच्छा तो लग रहा है, बताओ इधर, अच्छा लग रहा है। फिर एक बार आपको और भी अच्छा लगेगा। हाँ ये भी वैसा ही है, वो जैसा है ना ये भी वैसा ही है। आपका ऐसा ही है बड़ा वाला, मैं जानता आपका बैग अच्छे से। और इसके अंदर जो है ना इससे छोटे से शाह डॉक्टर के पास में, जहाँ ईजान का बर्थ हुआ है। जहाँ ईजान का बर्थ हुआ है वही डॉक्टर के पास। मेरे हील बहुत पेन कर रहे थे ना इसीलिए, तो वहीं पे आए हैं। यही था जहाँ पे बर्थ के एक दिन पहले फरा रुक के रात में बात कर रहे थे। चलो जाते हैं, मिलते हैं डॉक्टर। कम अगेन आफ्टर 5 days, ऑल दिस इज देयर ऑन माय वेबसाइट, दिस एक्सरसाइजेस आल्सो एंड एवरीथिंग इज देयर। सो देखते हैं अभी यहाँ से अगर फर्क पड़ता है समीर को तो फिर हम देखते हैं, या तो फिर हमको सर ने बताया है कि हम कुछ और भी ऑप्शंस है वो भी करते हैं। So let's see. Hope so, आपको फर्क पड़ जाए। हो जाएगा। और ये जो है ये शाह डॉक्टर के बेटे हैं, जिसने ईजान हमारा बॉर्न हुआ है यहाँ पे, उनके बेटे हैं। विटामिन सी बहुत जरूरी है। यहाँ का चाय और मस्का बटर बहुत अच्छा है, तो मैं वही मस्का बुरुन है ना वो, और आपको क्या मांगता ये आ गई है मेरी चाय और मस्का बुरुन। उसको बुरा ना, फरा ने समोसा लिया है लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा था, वो अभी कैंसिल करके दही वड़ा ले रहे हो ना? हाँ ले लो। क्या है उसमें, क्या मांगता है आपको? हाँ